CAA आणि NRC विरोधातील संविधान संघर्ष समितीच्या साखळी उपोषणाला महिला भगिनींनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. CAA आणि NRC विरोधात देशभर आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे धर्माच्या बाबतीत भेदभाव करणारे आणि काही जाती धर्मांसाठी धोकेदायक तसेच राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचा आरोप याबाबत आहे. याच पार्श्वभूमीवर धुळे शहरात संविधान बचाव समितीमार्फत सुमारे महिनाभरापासून साखळी उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला दररोज विविध पक्ष, संघटना, व्यक्ती, संस्थांचा वाढता पाठिंबा मिळत आहे. महिला भगिनींनी देखील या आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला आहे. यामध्ये वंदना भांबरे, सीमा ठाकूर, लीना काटे, प्रणाली मराठे, हुसेरा नदीम, नुसरत शेख, सुमैया एजाज, आयशा इलियास इत्यादी महिलांचा समावेश होता. या महिलांसमवेत आलेल्या लहान बालिकांनीही CAA NRC विरोधातील संदेश फलक झळकवीत लक्ष वेधून घेतलं. आज हम लोग संविधान बचाव समिति को सपोर्ट करने के लिए आज हर स्कूल के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हुए हैं. जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हम ये बात जानते हैं कि किस तरह से हमको एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ें और ये जान लें कि हिटलर ने किस तरह से ज्यूइश लोगों को मारा था. जबकि हम एजुकेशन पढ़ लेते हैं तो हमारा मकसद है कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए. और ऐसे जब कानून हमारे देश में आएंगे जो लोगों के बीच में भेदभाव करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आँच उठाएंगे, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे. आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है जामिया से लेकर आज पूरे देश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट. कैमरामैन दीपक वाघ, मी महाराष्ट्र न्यूज़, धुळे.